हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ फूड बाय मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चटपटी मूंगफली बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बना करके आप स्टोर करके महीना दिन के लिए आराम से रखिए, फ्रिज के बाहर रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट देना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने मूंगफली लिया है, ये आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप मूंगफली लीजिए। हमने यहाँ पे 250 ग्राम मूंगफली ये छोटे दाने वाले लिए हैं, मीडियम साइज वाले, ज्यादा छोटा भी नहीं और बड़ा वाला भी नहीं। बड़ा साइज का अगर मूंगफली लेंगे तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने मीडियम साइज का ये मूंगफली लिया है। और ये कुछ मसाले हमने लिए हैं, ये ऑयल। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं मसालों का। ये हमने काली मिर्च, कूटा हुआ काली मिर्च लिया है। ये काला नमक है, ये टेस्ट के अनुसार नमक हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम सादा नमक नहीं यूज करेंगे, काला नमक का ही यूज ज्यादा करेंगे। और ये होममेड ग्रीन चिली पाउडर है, इसकी रेसिपी हमने पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी। और ये भुना हुआ जीरा है, इसे हमने हल्का सा रोस्ट करके पीस करके पाउडर बनाकर रखा हुआ है, ये होममेड ही है। और ये हमने एक बड़े चम्मच विनेगर लिया है, ये व्हाइट विनेगर है। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी एप्पल सिरका या कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ हम टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। और ये चाट मसाला है, एक बड़े चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, ये होममेड चाट मसाला है, इसकी भी रेसिपी हमने अपलोड किया हुआ है। और ये एक आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मूंगफली को लेकर के भून लेंगे। इधर हमने कढ़ाई गरम होने रख दिया था, कढ़ाई गरम हो गया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इस तरह से मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद इसके छिलके हम ठंडा करके निकाल लेंगे। तब तक का उतना प्रोसेसिंग हम करते हैं, मूंगफली को भून करके और छिलके निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने मूंगफली को भून करके भून लिया है अच्छे से, और इसका छिलका निकाल करके इस तरह से रगड़ा है। हमने इसे ग्राइंड नहीं किया है ना ही कूटा है। इसको जब इस तरह से आप छिलके निकाल के इस तरह से मैश करेंगे तो ये आराम से ये दो अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए अलग दाने दिख रहे हैं इसके। इस तरह से होना जरूरी है, नहीं तो मसाला अच्छे से लगेगा नहीं। इसके लिए आप इस तरह से दो पार्ट में एक मूंगफली को कर लीजिए, तभी इसमें मसाले अच्छे से लगेंगे। इधर हमने कढ़ाई गरम होने रख दिया है, कढ़ाई गरम हो गया है। इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल जैसे ही गरम होता है हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये काली मिर्च टेस्ट के अनुसार डालिए, ये ग्रीन चिली का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ये चाट मसाला। इन सबको थोड़ा सा मिक्स करना है ऑयल में, भूनना नहीं है, बस ऑयल में मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया, अब हम यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम यहाँ पे काला नमक ज्यादा यूज करेंगे, सादा नमक का यूज नहीं करेंगे। जितनी मूंगफली है उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद ये जो मूंगफली हमने रखा है उसे डाल देंगे और यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं। मसाले सिर्फ हमने इतना गर्म किया है जिससे कि हल्का सा उसका भुनने की खुशबू आ जाए, और इस मूंगफली को इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे।
इसमें यहाँ पे हम विनेगर का यूज कर रहे हैं। अगर आपको विनेगर नहीं है तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेमन जूस का यूज कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस का यूज तब करेंगे तो वो ज्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने विनेगर लिया है। इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, नीचे उतार लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सारे मूंगफली पे अच्छे से ये मसाले कोट हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सा मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं हर मूंगफली पे मसाले की कोटिंग हो गई है। अगर आप मूंगफली को अच्छे से अलग नहीं करेंगे तो वो मसाले का कोटिंग अच्छा नहीं होगा, इसके लिए वो बहुत जरूरी है आप अलग अलग करके मूंगफली को पीसे। देखिए कितना अच्छा सा कोट हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा और काफी टेस्टी। इसे चाय के साथ आप सर्व कीजिए या कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप इस तरह का चटपटी मूंगफली बना करके लेकर के जाइए और इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप आराम से एक महीने तक यूज कीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा और बहुत टेस्टी काफी अच्छा सा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। बहुत टेस्टी बना है ये, इसे बना करके आप टी टाइम में यूज कीजिए या पार्टी में, छोटे मोटे घर में अगर पार्टी है, कोई गेस्ट आए हैं उन्हें भी आप चाय के साथ सर्व कीजिए, किट्टी पार्टी हो उसमें आप यूज कीजिए। इस तरह से बनाकर मूंगफली को देखिए काफी अच्छा सा बन करके रेडी हो गया है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो एक लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।